प्यारे बच्चों, आज हम भाषा भारती के पाठ 13 भारत रत्न भीमराव अंबेडकर, इनके जीवन के कुछ प्रसंगों के संदर्भ में पढ़ते हैं और बहुत ही सुंदर पाठ है। इस पाठ से हमको काफी प्रेरणा भी मिलेगी, शिक्षा भी मिलेगी, ठीक है? यस सर। डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष की कुछ कहानी को भी हम देखेंगे, ठीक है? यस और उनके जीवन के काफी जो प्रसंग है, प्रकरण है, उनको भी हम पढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे महापुरुष का जन्म हमारे मध्य प्रदेश के मऊ नामक स्थान पर हुआ था, यानी उनका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल था और वो सेना में सूबेदार थे। कौन थे? सूबेदार। सूबेदार। तथा माँ का नाम था भीमा बाई। क्या नाम था? भीमा बाई। भीमा बाई धार्मिक विचारों की महिला थी। अब धार्मिक विचारों की महिला कहने से मतलब क्या है कि धर्म कर्म को मानना, ईश्वर में आस्था रखना, पूजा पाठ करने वाली महिला, यानी धर्म को मानने वाली महिला थी, ठीक है? यस सर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन अनेक विषमताओं और गुणों से परिपूर्ण था। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आए, कभी खुशी कभी दुख के क्षण भी उनके जीवन में आए। और उनके जीवन में ऐसे कई संघर्ष के समय भी आए, उन्होंने उन कठिनाइयों से संघर्ष भी किया और उसके उनके अंदर जो है कई तरह की विशेषताएं, वो अच्छे गुण भी उनके अंदर थे। उनके व्यक्तित्व में सरलता, साहस, संघर्ष, समर्पण और संवेदनशीलता का अद्भुत सम्मिश्रण था। डॉक्टर, उनको बाद में डॉक्टर की उपाधि मिली है, उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो व्यक्तित्व था, ठीक है, वो किस प्रकार के व्यक्ति थे उसके बारे में बताया है कि वो सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति, उनके अंदर साहस भी कूट कूट कर भरा हुआ था और कठिनाइयों से संघर्ष करना उनके अंदर इस बात का गुण था कि जो भी कठिनाइयां मुसीबतें उनके सामने आ जाए तो वे उनसे सामना भी डटकर किया करते थे। साथ ही समर्पण, यानी किसी काम को करने के लिए या कोई सेवा करनी है तो उसके लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते थे, यानी उसमें लीन हो जाते थे कि मुझे ये काम करना है। इसी तरह से संवेदनशीलता, अर्थात किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाना, ठीक है, ये इस प्रकार के जो गुण होते हैं संवेदनशील गुण कहलाते हैं, या दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाना और दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाना, ये इस प्रकार के जो गुण है वो संवेदनशील होने के गुण कहलाते हैं। या दूसरों के द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं और उनके प्रति यदि कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया दर्शाता है तो वो व्यक्ति संवेदनशील कहलाता है। तो भीमराव अंबेडकर जी के अंदर संवेदनशीलता के गुण थे, अर्थात वो दूसरों के दुखों को देखकर दुखी हो जाया करते थे। इन गुणों के कारण उन्हें महापुरुष भी कहा गया है। इन्हीं सब गुणों के कारण, इन्हीं सब विशेषताओं के कारण उन्हें महापुरुष की संज्ञा दी गई है। महापुरुष यानी जो व्यक्तियों से भी ऊपर हो, ठीक है? महा का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। महा यानी बड़ा, और पुरुष यानी इंसान है, यानी वह इंसान जिसके अंदर अच्छे गुण हो और जो दूसरे जो अन्य लोग हैं उनसे वह ऊपर रहे, यानी उन सब में उनकी ज्यादा ऊंची छवि हो, ज्यादा अच्छी पहचान हो, वो व्यक्ति महापुरुष होता है। जिन्होंने अपने जीवन में कई अच्छे अच्छे काम किए हो, अपने देश के लिए, समाज के लिए काम किए हो, वो क्या कहलाता है? महापुरुष कहलाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हमने पहले भी सुना है कि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे काम किए, समाज के लिए कई प्रकार के काम किए, और खासकर हमारे देश में जो छुआछूत की जो समस्या थी, एक अंधविश्वास था, उसको उन्होंने दूर करने का काफी प्रयास किया, है ना? यस सर।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन धार्मिक संस्कारों से युक्त पारिवारिक वातावरण में बीता। उनका जो जीवन है, ठीक है, बचपना जैसे अभी तुम्हारा बचपना बीत रहा है, वैसे डॉक्टर भीमराव जी का जो बचपना है वो धार्मिक संस्कारों से युक्त पारिवारिक वातावरण में बीता। देखो, कई परिवार ऐसे होते हैं जो धर्म कर्म को मानते हैं, है ना, पूजा पाठ और घर में कई प्रकार के जो संस्कार हैं, है ना, कई प्रकार के तीज त्योहार व्रत हैं, ऐसे करते हैं। तो ऐसे धार्मिक संस्कारों में, ऐसे धार्मिक संस्कार वाले परिवार में उनका लालन पालन हुआ। उनका परिवार कबीर पंथी था। उनका परिवार कैसा था? कबीर पंथी था। परिवार में नित्य भजन पूजन होता था। नित्य यानी रोज, यानी उनके घर में रोज पूजा पाठ भजन इत्यादि हुआ करते थे। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन में खेलना और समुद्र में स्नान करना बहुत अच्छा लगता था। तुम बच्चों को भी मैदान में खेलना बहुत अच्छा लगता, क्योंकि बच्चों को खेलने ही ज्यादा पसंद है ना? Yes, sir. और अंबेडकर जी तैरना भी पसंद करते थे समुद्र के अंदर, ठीक है, समुद्र में स्नान करना और तैरना उनको बहुत अच्छा लगता था। हंसी मजाक करने का उनका स्वभाव था। वे बड़े खुश मजाज व्यक्ति थे। हंसी मजाक दूसरे से बढ़िया करके खुश, सदैव खुश रखते थे दूसरों को और स्वयं भी खुश रहते थे, ठीक है? Yes, sir. हाँ, स्वयं हंसना और दूसरों को हंसाना उनका प्रतिदिन का काम था। वे स्वयं हंसते थे और दूसरों को हंसाने का काम भी किया करते थे ताकि सब लोग खुश रह सके। उनकी लिखावट बहुत अच्छी थी, यानी जो लिखते थे जो कुछ भी, तो बहुत सुंदर लिखते थे, और हमें सुंदर लिखावट में ही लिखना चाहिए, गंदी राइटिंग नहीं बनाना चाहिए, है ना? Yes, तो अंबेडकर जी बहुत सुंदर लिखावट में लिखा करते थे। वे अपने निवास और कार्यालय को आकर्षक रूप से सजाकर रखते थे। वे अपने निवास यानी घर को बहुत अच्छे तरीके से सजा कर रखते थे, साफ सुथरा रखते थे। दीवारों में कुछ अच्छे पोस्टर चित्र वगैरह या कुछ जानकारियां वगैरह ऐसा रखते थे, और पूरे घर को अच्छी तरह सजाकर, और जो उनका कार्यालय था, जो काम करने की जगह होती थी, उस कार्यालय को भी वो सजाकर रखा करते थे। तथा उनकी साज सज्जा को बदलते रहते थे जिससे उनमें नयापन लगे, और समय समय पर जो घर की साज सज्जा है, कार्यालय की साज सज्जा है, उसको बदल दिया करते थे कि भाई कभी कुछ लगा लिया, कभी कोई गमला कहीं लगा दिया, कभी कहीं कोई कहीं लगा दिया, इस तरह से वो उसको बदला करते थे जिससे कि नयापन सदैव लगे। डॉक्टर अंबेडकर को ज्योतिष शास्त्र और हस्तरेखाओं का अच्छा ज्ञान था। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो हस्तरेखा होती है, हाथ की रेखाओं को देख करके वो किसी भी व्यक्ति के भविष्य को समझ जाते थे कि क्या होने वाला है। तो ये हस्तरेखाओं का और ज्योतिष का उनको काफी ज्ञान था, पर वे ज्योतिष पर कभी निर्भर नहीं रहे। उनको ज्योतिष का ज्ञान तो था, उनको ज्योतिष का ज्ञान तो था, किंतु ज्योतिष के ऊपर वे हमेशा निर्भर नहीं रहे। वो अपने कर्मों को ज्यादा प्रधानता देते रहे, ठीक है, कर्म को ज्यादा ही महत्व उन्होंने दिया। वे मानते थे कि प्रयत्न और परिश्रम का कोई पर्याय नहीं है। प्रयत्न करना, सदैव हम किसी काम को करने की कोशिश करें, ये प्रयत्न कहलाता है, और परिश्रम मेहनत करें। भाई आपको अभी बच्चे हो, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई में जो व्यक्ति ज्यादा परिश्रम करेगा वो ज्यादा ऊपर ऊपर कूट कर जाएगा, है ना? Yes, sir. डॉक्टर अंबेडकर ने विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने विदेश गए हुए और उन्होंने वहां पर शिक्षा प्राप्त की, अर्थात उन्होंने वहां पढ़ाई की, है ना, और वहां पर उन्होंने जाने के बाद भी मद्यपान और धूम्रपान नहीं किया। मद्यपान यानी शराब पीना और धूम्रपान यानी बीड़ी सिगरेट इत्यादि पीना, ये काम उन्होंने विदेशों में जाकर नहीं किया, क्योंकि विदेशों में असल जो पाश्चात्य देश है वहां पर ठंड बहुत पड़ती है, और ठंड अधिक पड़ने के कारण वहां के लोग मद्यपान अर्थात शराब और सिगरेट बीड़ी वगैरह पी करके अपने आप को गर्म रखते हैं, है ना? Yes, तो ये विदेश जाने के बाद भी ये मद्यपान और धूम्रपान से सदैव दूर रहे। वे सात्विक विचारों और शुद्ध आचरण वाले व्यक्ति थे। सात्विक यानी जो
मदिरा मांस इत्यादि से दूर रहे, है ना, और सादा जीवन जिए और सादा भोजन करे, वो सात्विक इंसान होता है। तो इस तरह से वे सात्विक विचारों वाले व्यक्ति थे और शुद्ध आचरण करने वाले व्यक्ति थे। उनका स्वभाव बहुत सरल था और जैसा उनके मस्तिष्क में होता था वैसा ही वो दूसरों से व्यवहार करते थे, ऐसा उनका शुद्ध आचरण था। उन्होंने सदैव दूसरों की भावनाओं और आस्थाओं का सम्मान किया। उन्होंने क्या किया, दूसरों की भावनाओं का सम्मान किया कि दूसरा सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है, उसके मन में क्या है, तो वो जैसा चाहता उसके अनुसार उससे उन्होंने व्यवहार किया। उनकी पत्नी का नाम रमाबाई था। स्वभाव से वे दृढ़ निश्चय और स्वाभिमानी महिला थी। जो रमाबाई थी वो दृढ़ निश्चय, यानी किसी काम को करना है निश्चय कर लिया तो उस काम को करने वाली थी, और स्वाभिमानी, उनके अंदर स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। स्वाभिमान का मतलब अपने स्वयं के मान सम्मान की रक्षा करना, या अपने स्वयं के मान सम्मान पर किसी प्रकार के आंच न आने देने वाला व्यक्ति स्वाभिमानी व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, तो ऐसी स्वाभिमानी थी। डॉक्टर अंबेडकर ने पत्नी की मृत्यु पर उनकी आस्थाओं का और विश्वास का सम्मान करते हुए अपने पुत्र से हिंदू पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करवाया। देखो, रमाबाई जो थी वो हिंदू विचारों वाली थी, इसलिए उनकी भावनाओं की कदर करते हुए जब रमाबाई का स्वर्गवास हुआ तो अपने पुत्र के माध्यम से उन्होंने हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार ही उनका अंतिम संस्कार करवाया, अर्थात उनकी चिता रचवाई गई और चिता पर उनको लिटा कर जलाया गया। इसके पश्चात जो भी हिंदू रिवाजों में होता है उस आधार पर उनका अंतिम संस्कार करवाया। ठीक, यस सर। इस महापुरुष को बचपन से ही छुआछूत की बुराई का शिकार होना पड़ा था, यानी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे बचपन में छुआछूत की जो एक प्रकार की हम कह सकते हैं बुराई है, इस बुराई का शिकार उन्हें होना पड़ा था। मतलब यह है कि छुआछूत एक ऐसी भावना होती है जिसमें लोगों में यह होता है कि तू नीच जाति का है, तू ऊंची जाति का है ना, तू हमारे पास में नहीं आना, हम तेरे को नहीं छुएंगे, हम एक कुएं का पानी नहीं भरेंगे। ठीक, yes, sir। इस भावना को छुआछूत की भावना कहते हैं। तो इस भावना से उन्हें शिकार होना पड़ता था, अर्थात वो भी इस भावना से ग्रसित हुए थे। इतना ही नहीं, विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त कर लौटने के बाद भी वे छुआछूत का शिकार हुए। विदेश गए, उन्होंने ऊंची शिक्षा प्राप्त की, है ना, डिग्रियां प्राप्त की, उसके बाद भारत आए तो भी उनको छुआछूत की भावना का शिकार होना पड़ा, यानी इसका जो छुआछूत है उसको झेलना पड़ा। फलस्वरूप वे आजीवन समाज में सभी लोगों की बराबरी के लिए और दलितों की स्थिति सुधारने के लिए संघर्ष करते रहे। जब उन्होंने देखा कि हमारे देश में कुछ स्थानों पर छुआछूत की भावना है तो समाज से इस बुराई को दूर करने के लिए वे सदैव प्रयत्नशील रहे, और वे चाहते थे कि समाज में सब एक बराबर हो, इस प्रकार की भावना बिल्कुल ना हो। उन्होंने दलित, अर्थात वे लोग जो कमजोर थे, ठीक है, जिनको अक्सर लोगों ने प्रताड़ित किया था, तो ऐसे लोगों को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया। इनका संघर्ष दोहरा था, यानी वो दो तरह से संघर्ष कर रहे थे। एक ओर उन्होंने छुआछूत का विरोध पूरे देश में किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अस्पृश्य जातियों में फैली बुराइयों को दूर करने का भी कार्य किया। देखिए, जो ऐसी जाति जिनको नीची जाति समझा जाता था उनके समाज के अंदर भी कुछ बुराइयां थी, तो उन बुराइयों को भी दूर करने का कार्य किया, साथ में पूरे देश से जो छुआछूत की बुराई है इसको दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। दिसंबर 1927 में उन्होंने महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, वे सब साफ सुथरी रहे। देखो, 1927 की बात है, ठीक है, आज से लगभग कुछ कम नहीं तो 100 साल, 2022 चल रहा है अभी, तो 1927 की बात है, यानी लगभग 95 साल पहले की बात बता रही वाली हम, है ना। तो दिसंबर माह की बात थी,
उस समय उन्होंने महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया और उस सभा में क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि वे सब साफ सुथरी रहे अर्थात सफाई से रहे। यदि पति या पुत्र शराब पीकर घर आते हैं उनके लिए घर के दरवाजे बंद कर दे। यदि तुम्हारे पति या तुम्हारे पुत्र शराब पीकर घर अगर आ रहे हैं तो दरवाजा बंद कर दो, उनको घर के अंदर मत आने दो। अपने बेटे बेटियों को उचित शिक्षा दे और अपने जो पुत्र पुत्रियां उनको सही शिक्षा दीक्षा प्रदान करे, ऐसे उनके भाषण थे। डॉक्टर अंबेडकर में अद्भुत संगठन क्षमता थी, यानी लोगों को वो जमा कर लिया करते थे, संगठित कर लिया कर लेते, संगठित कर लिया करते थे और उनको अगर कोई बात समझाना है तो उनको बड़े आसानी से समझा भी लिया करते थे, ऐसी उनके अंदर क्षमता थी। वे भारत के प्रख्यात विधिवेत्ता थे, विधिवेत्ता यानी कानून को जानने वाले। अर्थशास्त्र उनका प्रिय विषय था, उन्होंने अर्थशास्त्र विषय को अपना प्रिय विषय के रूप में चुना था, उनको बहुत अच्छा लगता था यह विषय। अर्थशास्त्र मतलब यानी जो धन है, रुपया पैसा है ना, इनसे संबंधित जानकारी रखने वाला विषय अर्थशास्त्र होता है, तो उनको इस विषय में बड़ी रुचि थी। स्वतंत्र भारत के संविधान को बनाने वाले वे प्रमुख शिल्पी थे। जब हमारे देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो हमारे देश में जो संविधान लागू किया गया बाद में, तो उस संविधान का निर्माण करने में इनका अमूल्य सहयोग रहा। ठीक है, ये सबसे प्रमुख शिल्पी थे। शिल्पी अल्लाह, शिल्पी मतलब उसका निर्माण करने वाले। आजादी के बाद उन्हें देश का प्रथम विधि मंत्री बनाया गया। जब हमारा देश आजाद हुआ इसके पश्चात उन्हें विधि मंत्री अर्थात कानून मंत्री बनाया गया। उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी विभूषित किया गया, यानी उनको हमारे देश का जो सर्वोच्च सबसे ऊंचा सम्मान होता है भारत रत्न, उस सम्मान से भी उनको सम्मानित किया गया। भारत रत्न मतलब हमारे इस भारत देश का एक रत्न, रत्न कैसा होता है, बहुमूल्य एक पदार्थ होता है रत्न, तो ऐसा ही मतलब ऐसे कुछ व्यक्ति जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत उत्तम काम किए हैं और अपने संपूर्ण जीवन को हमारे देश की सेवा के लगा दिया गया है, तो ऐसे लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है और यह सम्मान बहुत बड़ा होता है। इस महापुरुष का हृदय अत्यंत संवेदनशील और भावुक था, यानी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे इनका जो हृदय था वो बहुत ही संवेदनशील था, दूसरे के दुखों में बहुत जल्दी दुखी हो जाते थे, भाव विभल हो जाते थे। उनके जीवन की अनेक घटनाएं हैं जो उनके भावुक मन को व्यक्त करती हैं। उनके जीवन की ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जहां पर उनके संवेदनशील हृदय के बारे में हमको पता चलता है। देखिए, यहां कुछ घटनाएं दी गई हैं। एक बार उनका कुत्ता बीमार हो गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, वहां उसकी मृत्यु हो गई। यानी कुत्ता था उनके पास पालतू कुत्ता, वो बीमार हो गया, फिर उसको अस्पताल ले गए किंतु अस्पताल में वह कुत्ता मर गया। यह खबर सुनकर वे ऐसे रोने लगे जैसे उनका कोई स्वजन ही मर गया हो या कोई व्यक्ति अपने स्वजन पर की मृत्यु पर रोता हो। स्वजन यानी अपने स्वयं का कोई रिश्तेदार संबंधी, कुत्ते के लिए इतना रोए वो, है ना। तो इस प्रकार कुछ ग्रामीणों ने उन्हें एक हिरण का बच्चा भेंट किया। एक बार की बात है, ग्रामीण लोग जो थे उन्होंने एक हिरण का बच्चा उनको भेंट कर दिया। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर और उनकी पत्नी रमाबाई ने हिरण के बच्चे को बड़े स्नेह से पाला, यानी बड़े प्रेम के साथ पाला, पर वह कुछ दिनों बाद मर गया। इससे डॉक्टर अंबेडकर बहुत दुखी हुए। जब वह हिरण का बच्चा मर गया तो इससे डॉक्टर अंबेडकर बहुत ज्यादा दुखी हुए थे। तो इन दोनों बातों से हमको पता चलता है कि वे कितने संवेदनशील व्यक्ति थे, उनका हृदय बहुत ही कोमल था। जीवन पर्यंत उन्हें अपने माता पिता से लगाव रहा, पूरे जीवन भर उनको अपने माता पिता थे उनसे लगाव रहा। जब वे अत्यंत दुखी और व्याकुल हो जाते थे, यानी परेशान हो जाते थे, तब वे उस स्थान पर जाते थे जहां पर उनके
पिता का अंतिम संस्कार हुआ था, वो उस जगह पर जाते थे जहां पर उनके पिता का अंतिम संस्कार, जब व्यक्ति मर जाता है इसके बाद एक तो उनको जला दिया जाता है या उनको मिट्टी में दफन कर दिया जाता, उसे कहते हैं अंतिम संस्कार। तो वो वहां पर जाया करते थे, वहां वे अपने मन और हृदय को खोल कर रख देते थे, यानी उनके मन के अंदर जो पीड़ा होती थी उस पीड़ा को वो व्यक्त करते थे, तथा काफी देर तक वो वहां पर बैठे रहा करते थे, इससे उनको शांति मिलती थी। इसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर के मन से उनकी मां भी कभी ओझल नहीं हुई, यानी उनकी मां की यादें भी कभी नहीं मिटी। एक बार डॉक्टर अंबेडकर को मुंबई लौटते समय अपने मित्र के साथ सतारा रोड स्टेशन जाना था। वे तांगे में बैठकर स्टेशन के लिए चले। रास्ते में एक स्थान पर उन्होंने अपना तांगा रुकवाया, एक जगह पर उन्होंने क्या रुकवाया, अपना तांगा रुकवाया और वे तांगे से नीचे उतरे। तांगा क्या होता पता आप लोगों को? एक घोड़े को एक गाड़ी में फांद कर ले जाता, पीछे बैठने की जगह होती है, उसे तांगा कहते हैं। ठीक है, पहले के जमाने में तांगा खूब चला करते थे। तो उन्होंने तांगे को रुकवाया और वे पैदल ही कुछ दूर एक स्थान पर गए। वहां जाकर वे भाव विभोर अवस्था में खड़े रहे। 10-12 मिनट मौन रहने के बाद उन्होंने अपने मित्र से कहा, क्या कहा? यहां मेरी माता जी की अस्थियां रखी हैं, हड्डियां रखी हैं। उन्होंने हम भाई बहनों के लिए अपार कष्ट सहे, ने बहुत ज्यादा दुख सहन किए। सामने के टूटे फूटे मकान में हम लोग कुछ समय तक यहां रहे हैं। यहां के जंगल में मैं बचपन में खूब खेला हूं। मेरी माताजी और पिताजी यह देखने के लिए जीवित नहीं है कि मैं अब कितना पढ़ लिख गया हूं, ऐसा उन्होंने अपने मित्र को बताया। महापुरुषों का अंतस कहां शांति पाता है, अंतस यानी हृदय, महापुरुष जो है उनको कभी शांति नहीं मिलती, यह समझना आसान नहीं है, पर वे घटनाएं ही इस प्रश्न का उत्तर होती हैं या उत्तर भी हैं। डॉक्टर अंबेडकर मृत्यु के कुछ माह पूर्व अपने साथियों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का देहावसान हुआ, यानी उनका स्वर्गवास हो गया। कब? 6 दिसंबर 1956 को। तो इस तरह ये महापुरुष थे और इन्होंने अपने जीवन में कई तरह के कष्ट सहते हुए हमारे देश की सेवा की, हमारे देश के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया और समाज को ऊपर उठाने के लिए ये सदैव प्रयत्नशील रहे। ऐसे थे हमारे डॉक्टर अंबेडकर। पाठ अच्छा लगा? Yes, sir. क्या शिक्षा मिलती इस पाठ से? हमको ऐसे महापुरुष से शिक्षा लेनी चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी अपने जीवन में, उसी तरह से हमको भी पढ़ना लिखना चाहिए। पढ़ना लिखना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए? Yes, sir. हाँ। और हमको अपने देश की सेवा भी करनी चाहिए, और जब तुम बड़े हो जाओगे तब समाज सुधार का कार्य भी करना है। यदि हमारे समाज के अंदर कोई बुराई आ गई है, उस बुराई को दूर भी करना है ना? Yes, sir. बहुत बढ़िया, ताली बजाइए, बोलिए जय हिंद। जय हिंद।